सकट चौथ की कहानी, तिल चौथ, माघी चौथ, इनकी कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचा करता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि चीज़ें उसे दे दिया करती थी। ऐसी सी देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ मास में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा कही, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद होने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आंस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्या करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा, धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। बहुत बेचारी रोने लगी। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी को सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पीटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचाव कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का विचार आया, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वह खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पीटे मारी, निमटाई लगी है। कहा निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं, नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, तो कब से तंग किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछना कर गए थे वहाँ हीरों के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी को यह काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद वह आज बुरा मान गई और काम करने नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो बोली, चाची चलो, मैं माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने कहा, जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी का आशीष है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची तो पूरा घर हीरे मोती से भरा हुआ है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि अब मुझे धोवने और पीटने से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम्हें पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ?
वह नहीं मानी और जिद पर अड़ गई। मजबूरन पति ने उसे मारना शुरू किया। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, चीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया है, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए रखा है। चीके में फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई, सोचा घर हीरे मोती जवाहरातों से भरा मिलेगा, भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे हैं, देवरानी पर टूटे हैं। जेठानी ने घर और घर की सफाई करने के बाद ही कोशिश करी और परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन में मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ की गणेश जी से मदद मांगी, विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गड़ी रखी थी। उसने सोचा कि उस किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो अपना यहाँ बिखराव समेट लो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों को हांडियों में से भी उसे दो, उसका हिस्सा उसे दो। इस प्रकार जानन में बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है वैसी सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले पर हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी है वैसी किसी को ना देना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी 3-4 कहानियाँ और हैं, वो भी मैं अलग अलग वीडियो में डाल दूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बाकी कहानियाँ मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। तिलकुट चौथ की पूरी पूजा विधि भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूजा किस तरीके से की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।